होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल टू माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मुझे बता दो, डर गए हो? बंद करो। देख ऐसी बात नहीं, कैसे डर हमारे तो मैं आपकी फिजा ही हूँ। ओके सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू आर अनदर अमेजिंग व्लॉग। तो यार गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे ये होता है हमारी जो भी अपकमिंग वीडियो अपलोड होनी हो तो उसका सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाता है। सो यार गाइस, आई एम बैक विद न्यू व्लॉग। एंड यार मैं वो बताती हूँ, मैंने बहुत जल्दी जल्दी ना व्लॉग स्टार्ट किया है और आज का व्लॉग आज का व्लॉग बहुत मजे का लगा है। मैं आपको बताती हूँ अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम बता दो प्लीज। 7:40। सो गाइस अभी हो गए 8:00, सुबह के 8:00 हम लोग उठ गए, नमाज वगैरह पढ़ लिया, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। सुबह सुबह उठ के और नाश्ता भी कर लिया, रात को मामा ने बनाया था पुलाव। रात को मैं जल्दी सो गई जिसकी वजह से मैं नहीं खा पाई, और उठ के मामा ने कहा फिजा वो पुलाव खा लो, मैंने रात को बनाया था। इतने मजे का पुलाव था ना, जिस मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, वो एक क्लिप नहीं ले पाई, ठीक है, बाकी बहुत मज़ा आया। और आप लोगों को बताती हूँ अभी क्या सीन्स हैं आज के। आज है मैं अपनी फ्रेंड के घर जाना है, बिकॉज उसने एक बर्थडे पार्टी अरेंज की हुई है, लाइक उसकी बर्थडे थी, उसकी पार्टी वो दे रही है आज, और आज बहुत मज़े का व्लॉग होने वाला है क्योंकि काफ़ी ठंड है और इतनी देर बाद हम लोग मिल रहे हैं, लाइक कॉलेज चेंज है, ऊपर से ना कोई मुलाकात वगैरह होते हैं, ना कोई मीटअप वगैरह फ्रेंड्स के साथ, तो काफ़ी देर बाद हम लोग आज मिल रहे हैं। जो लोग मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं उनको तो पता होगा कि यार, क्योंकि काफ़ी देर पहले मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ मीटअप व्लॉग एक अपलोड किया था और उसके बाद आज हम लोग मिलने लगे हैं। सो यस, आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जिसे स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया। मैं से वॉश कर रही आती हूँ, आप लोग डर जाओगे, आपने कहा फिर कैसे व्लॉग स्टार्ट कर दिया, आई एम सॉरी गाइस, बट मैंने कहा आप लोगों से भी साथ शेयर कर लूँ मैं। क्या भी मैंने लगाया है मास्क, ये देखो ये मास्क है जो भी गंदा हुआ है, उसके अलावा ये मास्क मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस वन BNB ब्राइटनिंग राइस पाउडर ऑर्गेनिक मास्क, ठीक है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैंने लगाया था इसका फेस वॉश और उसके बाद स्क्रब लगाया, देन आई यूज़ दिस मास्क। और लाइक होता नहीं जो कोरियन स्किन, यू नो कोरियन काफ़ी लोगों को काफ़ी लोगों को पसंद भी होंगे, BTS वगैरह जो भी हैं, उनकी स्किन जो है इतनी ग्लो करती है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स वगैरह जो जितने भी होते हैं ना उनमें राइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई। और ये जितने भी BNB के प्रोडक्ट्स हैं ये सारे राइस से बने हुए हैं। अब आप चावल का तो मुँह पे लगाओगे नहीं ना, लेकिन ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं फॉर रियल, मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। लाइक हफ्ते 10 to 14 days तक आपको इसके रिजल्ट्स नज़र आने लग जाएंगे। चल जो भी है छोड़ो, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही, अभी मैं जाकर इसे वॉश करती हूँ, मुझे खुद भी अपने आप से डर लग रहा है, इसे वॉश करते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आई एम हेयर, और मैं अभी अभी शावर लेके आई हूँ और मेरे साथ प्रैंक हो गया, गीज़र ऑन किया था लेकिन स्टिल फुल ठंडा पानी आ रहा था, तो बस मैं नहाई यार, बहुत ठंडा है। अभी मैंने बाल ड्राई वगैरह किए हैं, स्ट्रेट किए हैं थोड़े से, और अभी कुछ देर तक लाइट जाने लगी है क्योंकि अभी टाइम हो गया है 9:15 और इस टाइम लाइट चली जाती है, बल्कि चली गई है। मैं ये बता रही थी कि यार इस टाइम लाइट चली जाती है, साथ ही चली गई है। यार मैं जो भी बोलती हूँ आई डोंट नो, सही सच्ची हो जाती है यार, क्या बताऊँगा आप लोगों को। हाँ जी, तो मैंने कल बोला यार लाइट आ गई, नरे साथ ही लाइट आई, मैंने भी बोला यार लाइट जाने वाली है, देखो तो लाइट चली और बहुत ठंड हो गई। मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने जाना है तकरीबन 3 बजे के करीब, मैंने जाना है और हम सब फ्रेंड्स ने ना सेम ड्रेसिंग की है, लाइक सेम फ्रॉक्स हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वहाँ जाकर के सेम प्राइस सेम। हाँ मेरा अपना हेलो, अभी मैं भाई को धक्का दे गई हूँ फटाफट आकर ना डोर के पीछे छुप गई हूँ, या और हाँ गाइस, आप लोगों से बहुत मज़े की बात शेयर करना मैं भूल ही गई, आप लोगों ने बताया नहीं है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि आप लोगों को हाइड एंड सीक चैलेंज कैसा लगा था। काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि पार्ट 2 लेकर आओ, बिकॉज सबको बहुत अच्छा लगा था और वो हम लोगों ने हाँ कमेंट्स आ रहे थे कि यार आज का ब्लॉग का बहुत मज़ा आया, सो थैंक यू सो मच फॉर प्यारे प्यारे कमेंट्स, मैं बस वही देखना चाहती थी, मैं देख के बहुत खुश हुई थी सीरियसली। और इस हार्डली जगह काम देखा, अभी भी सो रही हैं, इन्हें शीट को तबाह कर दी, दोनों सोने लगी हुई हैं, वेकेशन का बस यही फ़ायदा, सोते रहो सर्दियों में, क्योंकि
1 वीक के लिए और एक्सटेंड हुई है, और दुआ करो और ज़्यादा हो जाए। ठंड बहुत हो गई है गाइस, ठंड बहुत हो गई, सारा ठंडे आते मेरे गाँव। ये देखो हम सही। अच्छा जी, ये देखो इतना बज गया, इस टाइम उठ जाना चाहिए ना। हम लोग कितने टाइम पर उठे, हम लोग उठ के सुबह नमाज पढ़ते हैं, अच्छे बच्चे हैं, और उसके बाद फ्रेश भी हो गए। आप लोगों को इतना सोए रहते सोए रहते सोए रहते, अब 1 घंटे बाद दोबारा लाइट आएगी और फिर 1 घंटे बाद दोबारा जाएगी। हाँ, और कमेंट ये भी आए थे इस्लामाबाद में बहुत लाइट जा रही है, तो यही सीन है सियालकोट में भी, बहुत घंटे घंटे बाद लाइट जाती है, सुबह दोपहर शाम, रात को फिर सही होता है, बस यही चल रहा है। 2000 years later. तो गाइस अभी मैं और सारा बाहर आए हैं, हम दोनों आए हैं यहाँ पे नूडल्स बनाए, क्योंकि फिजा ने जाना है दोपहर 3 बजे अपने दोस्तों के घर। तो अभी तो हमने कुछ खाने या बस भूखा ही बैठे ना जाना उसने, हमने तो नहीं, तो हमने भाई से नूडल्स मंगवाया, तो हम मैं और सारा आए हैं नूडल्स बनाने, तो नूडल्स लेकर आओ और बनाते हैं फिर। इधर ऊपर पड़ेगा और दिस इज सारा, ये सारा की मतलब ड्रामे ना, ये देखो नीचे मैंने एक और हुडी पहनी है, हुडी के ऊपर हुडी नहीं स्वेटशर्ट है, नीचे हुडी नहीं है, स्वेटशर्ट के ऊपर हुडी। तो हम यहाँ पे नूडल्स बनाते हैं, हम वो निकाल ले पैन वगैरह, तो फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है? चलो बंद करो, ऊपर गैस नहीं आ रही है, हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो गाइस आप लोग कहते होंगे यार तुम लोग कितना नूडल्स खाते हो, यार देखो नूडल्स जो है ना वो लव है, नूडल्स की बगैर लाइफ इनकम्प्लीट है, तो नूडल्स खाया करो, मजे करते हैं बहुत, नूडल्स के बगैर तो मजा ही नहीं आता है। जब भी मैं और फिजा उठे हो ना, हम ना बचपन में पता क्या करते थे, हम जब भी उठे थे बचपन में, मैं भाई और फिजा, हम तीनों जो है ना मम्मा के पर्स निकाल देते थे, पैसे भाई को दे देते थे, हमें कहा भाई फटाफट जाकर नूडल्स ले आओ, भाई जाकर नूडल्स लाते थे, फिर हम तीनों बना कर ना लाते थे एसी वाले रूम में, तब गर्मियाँ थी, गर्मियों वाली बात मुझे याद है, तो ना हम बना के लाते, कर्टन पीछे करते, हम शक्ल देखते थे, नहीं कर्टन पीछे करते, लाइट्स ही हम ऑन करते थे, कर्टन पीछे करते, एसी ऑन होता, मोनोपोली खोलते नीचे, साथ नूडल्स खाते और साथ मोनोपोली खेलते, और इतना मजा आता था ना बसों से। अब हम खेलते नहीं अब गेम्स वगैरह, मोनोपोली हमारे पास तब थी, अब मोनोपोली भी नहीं हमारे पास, तो हम ना बहुत मजा करते थे पहले, हम तीनों क्योंकि ना हम दोबारा हाइड एंड सीक, हाँ उसमें सीधा मुझे बता रही थी कि बहुत शोर आने लगा होता है, हाँ, और फिजा भी मुझे बता रही थी कि उसमें ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं कि बहुत मजे का बना, लाइक ये हमने फर्स्ट टाइम बनाया, और पहले तो मैं बहुत ना लाइक नर्वस हो रही थी, मैंने कहा यार नहीं कैसे करेंगे मजा नहीं आएगा, लेकिन मजा आया है, मुझे भी नहीं पता कैसे बना, हाँ लेकिन बन गया, और एडिट वो पापा ने एडिट किया था, लाइक लिटरली पापा ने एडिट भी बहुत मुश्किल से, फर्स्ट टाइम पापा ने एडिट किया था, पापा को एडिट थी ना, पापा ने अभी ना व्लॉगिंग आस्ते आस्ते व्लॉगिंग एड व्लॉग ना एडिट करना स्टार्ट किए थे, और अब वो पापा लाइक सी कर लेते हैं, पर ये वाला भी पापा ने एडिट किया था, चलो बस 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 जल्दी से, बहुत अच्छा एडिट हुआ है और बहुत मजे का बना, इंशाल्लाह पार्ट 2 भी लाएंगे, लेकिन वो लाइक घर में नहीं कहीं और करेंगे, तो लाइक सो स्टे ट्यून्ड, बहुत मजे का बनेगा, चलो जल्दी जल्दी निकालो कि ठंडे पानी से हाथ धो रही है, ऐसे तो ले होता है ठंडे होते हैं, चलो जल्दी से बनाते हैं हम नूडल्स, अब यहाँ पे हमने नूडल्स डाल दिया, आप एक जल्दी से यहाँ से डालो, इस यहाँ पे हमारे नूडल्स जल चुके हैं, तो जल्दी से आप बना लो इसे, अंकल जी वापस से जाओ, किधर से आवाज आ रही है, ओके आप वहाँ से प्लेस भी कर रही है, जो लोग जा रहे हैं ब्लॉग में रुक जाए करो, ओके आप गाइस यहाँ पे आप ने थोड़ा सा वाटर डाल, क्योंकि यहाँ बहुत मैंने ना वाटर जो है ना पहले डाल दिया था, कम डाला था, मैंने कहा चलो अगर कम पड़ गया ना तो मैं और डाल लूँगी, लेकिन ज़्यादा डाल जाए ना तो फिर निकाल नहीं सकते, इसलिए मैंने कहा चलो डाल लेती हूँ, कोई बात नहीं, वहाँ पे बन मेरे अभी नहीं बने, इनके पहले बन गए थे, लेकिन लाइट चलेगी हम जाने की है दोनों के, यस हेलो गाइस कैसे हो आप सब, सो गाइस मैं आप लोग को बता देती हूँ 11:20 हो गए हैं, और मैंने ना लाइट दोबारा चली गई है, और मैं तकरीबन 3 बजे तक मैं उसके घर होना है, ठीक है मैं आप लोग को पहले बता दूँ, मैंने चल जाना अभी,
जल्दी से नूडल्स बनाओ मुझे खिलाओ, देन आई हैव टू गो ओके। और आगे आप लोग बनाना ठंडा कैसे हो गया। थैंक यू। सो गाइस एज यू कैन सी फिजा यहाँ पे लगा रही है लेंस, इतनी मेहनत करके मैं इसका व्लॉग बना। ये तो डांसर बनी हुई है। ओके सो गाइस हम अपनी आई व्लॉग एंड करते हैं। अभी बता सकती हूँ आप लोगों को कि लाइट जा चुकी है और मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ फॉर फ्रेंड घर जाने के लिए। इसे वहाँ जाके अपने वो करने चाहिए। आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बिल्कुल रेडी रहें क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग होने लगा बहुत ही मजे का। आप लोगों ने जस्ट करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि यार एक फ्री बिल्कुल पेंट शर्ट नीचे जा रही है। मैं आप लोगों को बताती हूँ यार सब्सक्राइब करना है कोई वो बड़ी बात नहीं है, इसे सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना डे टू डे ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।